इधर अबुआ आवास योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस योजना में कुछ सरकारी कर्मी ही पलीता लगाते दिख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा। झारखंड सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अबुआ आवास योजना की पोल भी खुल रही है। सरकार की योजना गरीबों को घर देने की है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी बाबू अधिकारी और जनप्रतिनिधि सरकार की योजना पर ही बट्टा लगा रहे हैं। धनबाद जिले के 11 प्रखंड अंतर्गत चोंच पंचायत में झारखंड सरकार की इस अच्छी पहल को सरेआम बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पंचायत के पैसे वालों को आवास आवंटन हो रहा है, लेकिन जिसे जरूरत है उसे घर नहीं मिल रहा। जिसका नाम बाद में आया उसका आवास बनकर तैयार है, क्योंकि उसने 20,000 रुपये चढ़ावा दिया। उससे कागज भी नहीं मांगे जाते। जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं उन्हें कई तरह के दस्तावेज मांगकर उलझा दिया जा रहा है। अभी जब पैसा नाम आया लिस्ट में तो पानी जाति प्रमाण पत्र लाओ तो ये लाओ, उन लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग तो परेशान हो गए, कहाँ से लाएंगे हम लोग गरीब आदमी? हाँ, लिस्ट में हमको नाम आ गया, लिस्ट में कैसे कागज दिखा रहे हैं? घर का नाम आ गया आपका, तो अभी क्या बोल रहा आपको? अभी बोल रहा 2-4 महीना बाद आएगा। तो हम बोला अभी तो पीछे पीछे लिखा रहा, उन लोग कहा रहा हम लोग आगे वाला कहा नहीं आएगा। हम ऊंचा चार फुट जो बिना जमीन का घर बना है सबके। तो आप लोग से जमीन मांगा जा रहा है? हाँ, हम लोग जमीन मांगा जा रहा है। ऐसा कहे हो रहा, क्या लग रहा है आपको? घर का जमीन का काम है, अगर हम लोग का जमीन रहता तो हम लोग कहा ही करते? तो हम लोग पैसा हम लोग कहाँ पाएंगे पैसा? जो गरीब आदमी है जिसका पैसा फेंक रहा है बन रहा है, मैंने जो पैसा दे रहा उसको जल्दी बन जाएगा। जातिवासी दो गरीब आदमी कहाँ से हम लोग जमीन है? आवास के लिए कितना घूस मांगा जा रहा है आपको अंदाजा है? आवास के लिए तो कम से कम बोल रहा है कि कम दीजिए तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये? ये सभी महिलाएं झूठ तो नहीं बोल सकती। अब वह आवास आवंटन में किस हद तक धांधली हो रही है ये सबूत है। किसी से घर का कागज मांगा जा रहा है, किसी से जाति प्रमाण पत्र, नहीं है तो 20,000 दीजिए, पैसे दिए तो कोई कागज की जरूरत नहीं। अब आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तस्वीर पलामू की है। कुछ ऐसा ही हाल पलामू जिले के पांडू प्रखंड के कजरू कला पंचायत का है। यहाँ धांधली की हद है। ग्रामीण कहते हैं आवास जांच करने आए कर्मचारियों ने बिना जांच किए कच्चे घर वाले लाभुकों के घर को पक्का घर लिखकर अयोग्य कर दिया। उनके स्थान पर दूसरे लोगों का चयन कर लिया गया। ये किसके इशारे पर हुआ ये जांच का विषय है। जांच करने आए थे, फोटो भी खींच के ले गए और बोले कि आपको कॉलोनी पास जगह कांचा के घर है और वहाँ पाखा लिखा के अथी हो गया है और हम लोग की कॉलोनी नहीं मिल रहा है। मेरा कच्चा के घर है और जो पहले में फॉर्म मैंने अगुआ आवास में दिए थे वो मेरा अथी हुआ था, मैंने देख के गए थे, मुखिया भी गए। अब की में आया है तो लिस्ट में नाम है तो उसमें दिया गया है कि पक्का का घर है, पक्का का घर मेरा नहीं है। लेकिन अबुआ आवास आवंटन में गड़बड़ी से मुखिया इसरार अहमद ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने किसी के घर को कच्चा या पक्का कभी नहीं किया। कुछ नहीं किया है, हम लिस्ट न बनाए हैं, पक्का कच्चा हम नहीं लिखे हैं। पांडू प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी रणवीर कुमार ने कहा कि शिकायत के बाद जांच दल गठित की गई है, गड़बड़ी ठीक की जाएगी, साथ ही खाते में गई राशि भी वसूली जाएगी। जानकारी मिली है, हम प्रखंड स्तर से जांच दल गठित कर दिए हैं और जांच दल का रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगा और उसमें जिनको योग्य से अयोग्य बनाया गया है या अयोग्य से योग्य बनाया गया है उसके सुधार हेतु मैं अपना जो है अनुमोदन के साथ पत्र भेज दूंगा DDC सर के पास। और किसी कारण से अगर किसी के खाते में पैसा चला भी जाता है तो उस पर फिर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई की जाएगी, उससे पैसा वसूला। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कौन है इसका जिम्मेवार? गरीबों को घर देने के बदले घूस मांगने वालों पर क्या कोई कार्रवाई होगी या गरीबों की नजर में घर देने की योजना गड़बड़ झाले में ही उलझ कर रह जाएगी? पलामू से नितेश के साथ धनबाद से विकास कुमार, कशिश न्यूज़।